हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोम एकेडमी। दोस्तों, हरियाणा एसआई की आंसर की आ चुकी है तो उसी का हम एनालाइज कर रहे हैं। हरियाणा एसएससी ने जो आंसर की दी है, किस तरीके से उन्होंने कौन कौन से क्वेश्चन के क्या क्या आंसर दिए हैं, पूरा हम इसी वीडियो में आपको बताएंगे। मेरे पास है प्रैक्टिस सेट वी, तो आप उसी के अनुसार अपने आंसर मैच कर लें। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, इसके बाद आप सभी को हमें कमेंट कर बताना है कि आपके कितने मार्क्स हैं, जिसके आधार पर हम आपको कट ऑफ का अनुमान सही से लगा सकें। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। आप अपने क्वेश्चन पेपर से अपने आंसर मैच करें। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरे सेट में, आम के उपवनों का अस्तित्व किस नगर के साथ अपना नाम जोड़ता है? तो वहां पर आपका सेकंड ऑप्शन होगा अंबाला। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक और 566 के बीच 3 या 5 से कितने पूर्णांक विभाज्य हैं? तो दूसरे में आपका पहला ही ऑप्शन होगा 264। अगला क्वेश्चन मैथ से संबंधित है, श्रृंखला अनुनादी परिपथ गुणवत्ता कारक, देखिए साइंस का क्वेश्चन है, तो अनुनादी आवर्ती इस तरीके का समीकरण कौन सा बनेगा? आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला देखते हैं, भारत सरकार ने 23 अप्रैल 1966 की अध्यक्षता में विद्यमान राज्य पंजाब के विभाजन और नए राज्य हरियाणा की सीमाएं निर्धारित करने हेतु आयोग बनाया, तो किसने बनाया? ये है न्यायमूर्ति रंजन गोगोई। चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वह शब्द चुनिए समूह से अन्य शब्दों से कम मिलता है, तो कौन सा कम मिलता है? यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर आंसर आपका डी, सतलुज। अगला देखते हैं, बाणभट्ट के हस्तचरित के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो छठा क्वेश्चन हमारे पास है और यहाँ पर है आपका ऑप्शन बी, पांचवा अध्यक्ष। देखिए सातवां क्वेश्चन मैथ से संबंधित है, तो सातवें क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या होगा? यहाँ पर आंसर होगा आपका सेकंड, एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष तो आप सभी जानते होंगे, प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा आठवें क्वेश्चन में, तो सी ऑप्शन यानी कि प्रधानमंत्री। नौवां क्वेश्चन, 3 किलोग्राम भार इस तरीके का लटकाने से संबंधित क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है, तो नौवे क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या होगा? वो होगा आपका बी, 0.315। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोषणा पत्र माना जाता है क्या माना जाता है? तो यहाँ पर आपका जो 10वां क्वेश्चन है इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 11 है, sin 50 / sin 130 का मान क्या होता है? तो यहाँ पर होता है बी ऑप्शन अर्थात ए। 18वें एशियाई खेल से संबंधित क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, 18 पदकों के साथ भारतीय राज्यों में बांटे शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया? तो वहाँ पर आपका ऑप्शन होगा 12वें का सी, इंडोनेशिया। दूध निकालने के लिए उत्तरदायी हारमोन्स कौन सा है? तो ऑक्सीटोसिन अर्थात ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। यदि दो घटनाएं स्वतंत्र हैं तो 14वां क्वेश्चन है इस तरीके से प्रायिकता का, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में हरियाणा राज्य में राजमार्गों की संख्या पूछी गई है, 15वें क्वेश्चन में बी ऑप्शन 29 आपका करेक्ट होगा। अगला, मूल श्रृंखला का अनुसरण करते हुए यदि संख्या आरंभ पर श्रृंखला पूर्ण करे, तो यह क्वेश्चन पूछा गया था, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, 11.5। यहाँ पर एक HTTP के बीच अनुप्रयोग का संबंधित क्वेश्चन है, तो यहाँ पर सही जो आंसर होगा वो 17वें के लिए आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कला और सांस्कृतिक विरासत न्यास इस तरीके का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो होगा आपका किरण देसाई, ईश्वर देसाई सॉरी। हरियाणा की पहली सशस्त्र बल तैयारी संस्था कहाँ पर खोली गई? तो उसका क्वेश्चन है, तो यहाँ पर जो है ए ऑप्शन सॉरी बी ऑप्शन आपका सोनीपत करेक्ट होगा। अधिकांश प्रजनन कार्यक्रम में मुख्य लक्ष्य निम्न में से किस विशेषताओं की किस्म विकसित करता है? तो इस तरीके का क्वेश्चन है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, उच्च उपज योग्यता। क्वेश्चन नंबर 21, भिन्न संख्यात्मक युग्म आपको छांटना है, तो 21 में आपका आंसर होगा डी, 86 और 99। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, 22 में मॉन्टेग्यू से संबंधित एक क्वेश्चन था पुस्तक, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, द स्पिरिट ऑफ लीज।
क्वेश्चन नंबर 23, एल्गोरिथम वीडियो आंकड़ों को वाइटस में इस तरीके का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन होगा MPEG, करेक्ट। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। मानव रक्त वर्ग AB का जीनोटाइप क्या है? तो यहाँ पर करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा A IA IB। स्मार्ट सिटी मिशन में स्थापित नगरों की संख्या कितनी है? तो वह कितनी है यहाँ पर दिया गया है आपका 199। ये देखिए आंसर है, यहाँ पर आयोग ने बिल्कुल गलत दिया है, 199 नहीं है, वहाँ पर 100 स्मार्ट सिटियों की संख्या है। हरियाणा का पहला सूफी कवि माना जाता है, किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है आपका शेख मोहम्मद तुर्क। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में निम्न में से किस राज्य में बिना सरकार को सूचित किए राज्य जांच और ऑपरेशन करने के केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI को दी गई आम सहमति वापस ले ली है? देखिए किस राज्य ने ले ली है, तो यहाँ पर 28वें क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर होगा D, आंध्र प्रदेश। उस समबाहु त्रिभुज के भुजा 9 सेंटीमीटर है, उसकी परित्रिज्या क्या होगी, ये पूछा गया था। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है वो 29 का आंसर होगा A 3√3। 30वां क्वेश्चन देख रहे हैं जल्दी, श्रृंखला दी गई है तो लुप्त संख्या आपको ज्ञात करनी है, तो लुप्त संख्या होगी B अर्थात 123। क्वेश्चन नंबर 31, हरियाणा लोक कथाओं के अनुसार गुग्गा पीर को किसका रक्षक माना जाता है? तो यहाँ पर आपका 31वां क्वेश्चन है, D ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, सर्प। मोबाइल फोन में GPRS इस तरीके का क्वेश्चन है प्रयुक्त होता है, किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो यहाँ पर आपका जो 32वां क्वेश्चन है उसका सी आंसर करेक्ट होगा, ध्वनि संप्रेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवण माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? तो कौन सा त्यौहार है यहाँ पर आपका 33वां का सी ऑप्शन करेक्ट होगा, तीज। 34वां क्वेश्चन देख लेते हैं, DNA वाटसन और क्रिक मॉडल हेतु इस तरीके का क्वेश्चन है, कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर होगा चौथा ही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, D 3 हाइड्रोजन से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, तो 35 में क्या है, कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक मानकीकृत संस्था नहीं है? देखिए कौन सी संस्था नहीं है, तो यहाँ पर आपका ISI करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में वैध गर्भपात पर किस देश में जनमत संग्रह हुआ? तो यहाँ पर जनमत संग्रह कौन से देश में हुआ, वो हुआ आपका आयरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक पारंपरिक पंजाबी मौखिक कक्षा वर्णन है, कथा का वर्णन है, तो जो दक्षिण एशिया में अरबी प्रायद्वीप, यहाँ पर किस्सा कथा यहाँ पर D ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है 38वां क्वेश्चन, यदि ए और बी सममित आव्यूह है तो AB-BA है, क्या होगा आपका? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर तिरछी सममित आव्यूह अर्थात सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 39वां क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण एशिया में लहसुन की भली प्रकार प्राचीन यहाँ पर पाया गया है, तो हड़प्पा काल का था, कौन सा संस्थान था वो? बालू बालू स्थान। अगला क्वेश्चन है, ऑनलाइन लेन देन के संदर्भ में भीम का मतलब क्या है? कि भीम का मतलब क्या है देखते हैं आंसर क्या होगा इसका, भारत इंटरफेस फॉर मनी। महाराणा प्रताप के ऐतिहासिक युद्ध में मुगलों के खिलाफ लड़े, तो कौन सा युद्ध था वो? चित्तौड़गढ़, सॉरी हल्दी घाटी का युद्ध था, ये तो सभी को याद है हल्दी घाटी का। द्विघात आधारित संख्या 101, 00, 101 का दशमलव समतुल्य क्या होगा? तो यहाँ पर जो 42वें का करेक्ट आंसर होगा वो होगा 165। क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं, संघीय प्रणाली की जो आवश्यकता है कि विशेषता क्या हो, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका B, शक्तियों का विभाजन। 44वां क्वेश्चन है, अति चालक हेतु वांछित अत्यंत निम्न तापमान प्राप्त करने के लिए इस तरीके का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर है आपका 44वें का D ऑप्शन करेक्ट, हीलियम। 45वां, समरूपता पूर्ण करें तो महासागर जल हिमनदी क्या होगा? तो यहाँ पर होगा आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, बर्फ। हाल ही में भारत का पहला 3D तारामंडल किस नगर में उद्घाटित किया गया? तो यहाँ पर 46वें क्वेश्चन में आपका B ऑप्शन स्वामी विवेकानंद तारामंडल मंगलोर। विश्व विरासत स्थल में कौन सा कालका शिमला रेलवे वर्ष में बनी? तो कब बनी? 1898। अब संदर्भन हेतु प्रयुक्त ऑपरेटर क्या है? तो यहाँ पर आपका A ऑप्शन करेक्ट होगा, डॉट।
अगला क्वेश्चन है, यदि प्रत्येक प्लेट पर दो भिन्न अंकों के बाद तीन भिन्न अंक आते हैं तो इस तरीके का क्वेश्चन है, तो कौन सा आंसर होगा? यहाँ पर होगा आपका डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। 50वां क्वेश्चन है, ईसा पूर्व 487 में प्रथम बौद्ध सम्मति राजगृह में हुई, इसकी अध्यक्षता किसने की? तो इसकी अध्यक्षता की बी ऑप्शन, सॉरी ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 51 में जो आपका आंसर होगा वो होगा पहला ही यमुनानगर। क्वेश्चन नंबर 52 में आपका जो आंसर होगा वो होगा C 26। क्वेश्चन नंबर 53 की अगर बात की जाए तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा 10। क्वेश्चन नंबर 54 को अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, अंडरलाइन स्टाइल। क्वेश्चन नंबर 55 की अगर बात की जाए, आज पीसी से संबंधित धारा पूछी गई थी, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, धारा 463। क्वेश्चन नंबर 56 की बात की जाए तो सेंटर को इस तरीके का क्वेश्चन था रीजनिंग का, तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन होगा बी HP YHP। क्वेश्चन नंबर 57 में अगर बात की जाए तो 57 में भी बी आपका आंसर होगा, डायगोनल मिलर। क्वेश्चन नंबर 58 की अगर बात करते हैं तो 58 में आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 59 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 में आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, चंबल घाटी। क्वेश्चन नंबर 60 की अगर बात की जाए तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, दमास्कस। क्वेश्चन नंबर 61 की अगर बात की जाए तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, रघुराम जी राजन। क्वेश्चन नंबर 62 में देखते हैं तो क्या आंसर होगा आपका, सी आयन मंडल। क्वेश्चन नंबर 64 में भी आपका सी आंसर होगा, तो KS। क्वेश्चन नंबर 65 की अगर बात की जाए तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, 5 की पावर 99। क्वेश्चन नंबर 66 की अगर बात की जाए तो 66 में आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, काबुली बाग। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं तो 67 में आपका जो है बी आंसर करेक्ट होगा, 3। क्वेश्चन नंबर 68 की अगर बात की जाए तो 68 में आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 69 की अगर बात की जाए तो 69 में आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, चेनाब नदी। क्वेश्चन नंबर 70 को अगर देखते हैं तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, प्रकीर्णन का कोण। क्वेश्चन नंबर 71 की बात कर देखते हैं तो थर्ड ऑप्शन F4 आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 72 में देखा जाए तो सी ऑप्शन 141 आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 73 में अगर देखा जाए तो सी ही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, यहाँ भी पानीपत। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं, 74 में जो आपका ऑप्शन होगा वो ए करेक्ट होगा, विषाणु रोग। अगला देखते हैं, कौन सा प्राथमिक पोषक तत्व है? तो क्वेश्चन नंबर 75 का आपका डी ऑप्शन, पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 76 ग्रेट बैरियर रीफ, तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है आपका ए, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में है। SCV का मतलब क्या होता है? 77वां क्वेश्चन है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, हैवी कमर्शियल वेज। तो हैवी कमर्शियल व्हीकल आपका करेक्ट आंसर होगा बी। 78वां देखते हैं तो 78वें में आपका जो डी आंसर करेक्ट होगा, तमीम। 79 देख लेते हैं तो 79 में आपका डी ऑप्शन, थीटा का मान संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं, वर्ष में चंडीगढ़ भारत का पहला धूम रहित नगर घोषित किया गया तो कौन से सन में किया गया? 2007 में। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, जिस प्रकार मेंढक से सांप संबंधित है उसी प्रकार मेंढक से क्या संबंधित है? तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो मक्खी, पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, 81 का। क्वेश्चन नंबर 82 की बात की जाए तो देशी नेप्सिस या सजातीय गुणसूत्रों को चलन में आरंभ होता है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, डिप्लोटीन। मोहम्मद गोरी से संबंधित क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपको सभी को आंसर पता होगा, 83 का क्या आंसर होगा आपका, डी, यानी कि तरोरी तराइन का युग। 84वां क्वेश्चन है, TSST इस तरीके का क्वेश्चन है, तो सत्य और असत्य है, तो यहाँ पर क्या ऑप्शन होगा आपका, सत्य अर्थात ए। राज्य का कार्यकारी प्रमुख पूछा गया है, तो राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है आपका राज्य का कार्यकारी प्रमुख आपसे पूछा गया था, सी ऑप्शन अर्थात राष्ट्रपति आपका आंसर होगा। देखिए दोस्तों, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर विवाद के विषय हैं, तो वो क्वेश्चन हम यहाँ पर आपको अगले वीडियो में अपनी में बताएंगे। अगर आपको भी किसी क्वेश्चन पर डाउट है तो इसी तरीके का क्वेश्चन देखिए, राज्य का कार्यकारी प्रमुख मुख्य रूप से राज्यपाल होता है, लेकिन आंसर की में सी ऑप्शन अर्थात राष्ट्रपति दिया गया है।
तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आयोग ने जो है गलत दिए हैं, तो आप हमें कमेंट कर उन क्वेश्चन को आप भी बता सकते हैं, तो हम उन पर ध्यान से फिर से एनालाइज करेंगे और वो क्वेश्चन आपको बताएंगे कहाँ आपके अंक बढ़ सकते हैं, कौन से आंसर जो है आयोग ने गलत दिए हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक एन कौन सा है, जिसके लिए ये एक समीकरण दिया गया था। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन था, 2 करेक्ट होगा। 87वां क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित जो होगा पहला ही ऑप्शन होगा, 214 अनुच्छेद उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान। क्वेश्चन नंबर 88 देख लेते हैं, श्रृंखला को पूर्ण करने वाली लुप्त अक्षर क्या है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, MNNM। 95 का देख लेते हैं दोस्तों, तो 95 में आपका माँ बच्चे को दूध पिलाती है, इसमें कौन सा आंसर होगा। तो 95 में आपका आंसर होगा ए, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, माँ से बच्चे को दूध पिलाया जाता है। 96 में देख लेते हैं, राज्य की सभा राज्यसभा का कौन सा समास है। तो 96 में आपका डी होगा, तत्पुरुष समास। शब्द किसे कहते हैं, तो शब्द कहते हैं, 97वां क्वेश्चन है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका है, एक या अनेक वर्णों से मिलकर बनी हुई सार्थक ध्वनि होगी। लड़का शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या होगा, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन अर्थात लड़कपन करेक्ट होगा। तारे गिनना मुहावरे का अर्थ, तो डी ऑप्शन ही आपका करेक्ट होगा, क्रोध बढ़ाना। देखिए तारे गिनने का मुख्य अर्थ होता है नींद ना आना, लेकिन यहाँ पर दिया गया है आंसर की में डी ऑप्शन, क्रोध बढ़ाना। तो इसी तरीके के कुछ क्वेश्चन हैं जिन्हें हम डाउटफुल क्वेश्चन मानते हैं और उसके अंक सभी को समान मिलते हैं। कौन सा वाक्य शुद्ध होता है, राम ने कहानी सुनी है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो कर दीजिएगा लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब।